हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी भाई हमारे सऊदी अरब में काम करते हो, आज इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि अगर आप किसी भी कारणवश आपको आपकी कंपनी काम से निकाल रही है, या आपकी सैलरी काट रही है, या आप उसके बिना सहमति के कहीं जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर उसके साथ साथ में आपको किसी चीज के लिए दबाव डालती है, आपके ऊपर में कोई प्रेशर डालता है, तो आप किस तरीके से सारा कुछ काम आप खुद कर सकते हो, ये मैं नहीं कर रहा, ये आर्टिकल कह रहा है जो सऊदी लेबर कोड का है, जो लेबर लॉ है वो कह रहा है, यहाँ का कानून कह रहा है। इसको मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से, और फिर काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत सी ऐसी आसान लग जाएंगी यार, कंपनी में काम करना या किसी के पास भी काम करना अपने लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि वीडियो स्किप करके आप देखते हो बाद में आपको बात समझ में नहीं आती है, फिर वही सवाल आप हमसे कमेंट में करके पूछते हो। काफी सारे लोग जो है जो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज यही करते हैं, फेसबुक पेज पर भी लोग यही मैसेज करते हैं, तो भैया ऐसा कुछ मत करो, वीडियो को पूरा जरूर देखो, ठीक है? और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अगर नए वीजा पर सऊदी अरब आना चाहते हैं, तो वो भी जान लो भैया यहाँ आने से पहले ही आप जान लो, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग यहां पर काम करते हो उनके लिए तो है यार, कहीं भी वीडियो देख रहे हो भाई, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो मेरा देख रहे हो ना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, कहीं भी अगर वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां बार बार नहीं मिलती हैं और ना ही बार बार मैं बता सकता हूं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहां पर अब बात, एक सबसे पहले जरूरी बात आपको बता देता हूं कि अगर आप कंपनी में कहीं भी काम करते हो, और काफी लोगों का ऐसा होता है कि एक जगह काम करते हैं, 7 घंटा 6 घंटे का काम होता है, उसके बाद में आकर के दूसरी जगह काम करते हैं, तो ये आपके लिए अवैध होगा। ये चीज पहले आपको बता देता हूं, गलत काम नहीं करना है। यहां पर किसी ने सवाल किया था, आपको यहां पर आर्टिकल के साथ साथ में पूरा डिटेल में शो करता रहूंगा, आप देखते भी रहिएगा, नहीं तो मैं बता तो रहा हूं जो भी है, ठीक है? यहां पर सबसे पहले सवाल किया गया था, एक आदमी ने सवाल किया था कि सर मैं एक कंपनी में पहले से काम करता हूं, उसके साथ साथ में भी दूसरी कंपनी में ड्यूटी खत्म होने के बाद काम करता हूं, तो ऐसे में क्या होगा, क्या मैं इसका अधिकारी हूं कि नहीं हूं, यानी मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो यहां पर बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होता है तो आपकी दोनों नौकरियां जा सकती हैं, हो सकता है आपके ऊपर जुर्माना भी हो, क्योंकि ये सऊदी अरब है, यहां पर कोई भी नियम के खिलाफ नहीं जा सकता है, ठीक है? ये बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं इंपोर्टेड बात की। इंपोर्टेड बात जैसे कि छुट्टी को लेकर के, या ओवर टाइम को लेकर के, प्रेशर को लेकर के, परेशानी को लेकर के, वीजा चेंज करने को लेकर के, काफी सारी बातें हैं। अब यहां पर हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि आप दो जगह काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये पहली जगह। अब यहां पर आपको मैं बताऊंगा, एक आर्टिकल शो करता हूं, यहां पर देखिएगा, इसमें बताया गया है कि 120 दिन पहले अगर आप बीमार हो जाते हो, और 120 दिन यानी आप 4 महीने अगर ड्यूटी नहीं जा पाते हो, ऐसे में आपकी कंपनी आपको नहीं निकाल सकती। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है इसमें कि 120 दिनों से पहले किसी कर्मचारी को बीमारी के दौरान बर्खास्त करने की अनुमति नहीं है, उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपके साथ हो रहा है तो आप उनको ये आर्टिकल दिखा सकते हो, बता सकते हो कि ऐसा नहीं हो सकता। कई बार बीमार हो जाते हैं लोग यहाँ पर, तो 3-3, 4-4 महीने बीमारी में पड़ जाते हैं, तबीयत ठीक होने में ज्यादा समय लगता है, वैसे खुदा करे किसी को ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो भी जाता है तो आपको कंपनी बर्खास्त नहीं कर सकती है। यहीं पर इसी आर्टिकल में दूसरी बात जो बताई गई है कि बिना कर्मचारी के सहमति के कोई भी छुट्टी करवाने का कोई भी मजबूरी नहीं दिया जाता, यानी कि आपको अगर उसके पास काम है या नहीं भी है, तो अगर आपके बिना सहमति के आपका कंपनी या फिर कोई भी ये नहीं कह सकता कि जाओ तुम आज छुट्टी कर लो, आप जब तक सहमत नहीं हो तब तक कुछ नहीं कर सकता हो, तो ये बात भी आपको बेहद जानना जरूरी है। उसके साथ साथ में यहां पर बताया गया है कि एक कर्मचारी की अनुपस्थिति के लिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता जबकि वह अनुमत अवधि के अधिक ना हो, ठीक है? आपको किसी भी कारणवश, मैंने आपको पहले बताया, किसी भी कारणवश आपको वो नहीं निकाल सकता, चाहे आप 2 महीने 3 महीने की ड्यूटी नहीं की हो तो आपको वो नहीं निकाल सकता। अगर 120 दिन नहीं हुए हैं उसके छुट्टी के, तो 120 दिन के बाद ही आपको नौकरी से निकाल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्टिकल कह रहा भाई,
ये कह रहा है लेबर ला कह रहा है, सऊदी का कानून कह रहा है ये लेबरों के लिए जो बना हुआ है, ये कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे तरफ से कुछ नहीं है, मैंने आर्टिकल आपको यहाँ पर शो किया, देख सकते हैं इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात एक और चीज कही गई है कि कर्मचारी अगर कोई काम नहीं करना चाहता है तो आपको मजबूरन आपसे ओवर टाइम नहीं कराया जा सकता, कि आप मजबूर कर दिया जाए आपको कि आप ओवर टाइम करो, नहीं करो, करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ओवर टाइम नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं करोगे, जितने घंटे की आप ड्यूटी है ड्यूटी करो और उसके बाद में अपने रूम पे, ये चीज बताई गई। और उसके साथ साथ में यह भी बताया गया है कि अगर आपकी सैलरी आपकी कंपनी को कफील को कम करना है तो भी वो आपके बिना सहमति के आपकी सैलरी कम नहीं कर सकते हैं, ना ही वो काट सकते हैं। ये चीज इस आर्टिकल में क्लियर तरीके से समझा दिया गया है। अब यहीं पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक आर्टिकल नंबर 111 में जो बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कंपनी में अगर किसी भी प्रकार की आप छुट्टी का हो जाता है तो आपका जो छुट्टी के दौरान अगर आप जाते हैं काम करने के लिए, जैसे छुट्टी खत्म, छुट्टी 15 दिन काम ले लिया, तबीयत आपका खराब था और आप 10 दिन में ठीक हो गए, आप उस दौरान जाके काम कर सकते हो, तो ये नहीं है कि आपका उसका पैसा काट ले कि अभी तुम 5 दिन छुट्टी के दौरान में हो तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 11 ये बताता है कि आपका पैसा नहीं काट सकते, तो ये चीज इंपोर्टेंट है। अभी यहां पर आती है बात जॉब ट्रांसफर की, तो यहां पर एक आर्टिकल यहां पर इसमें भी बताया गया है कि अगर किसी भी कारणवश आपके स्पॉन्सर से झगड़ा हो जाता है या काम नहीं जमता है या कोई भी वजह हो सकती है जिसमें आपको दुखदाई साबित हो, ठीक है, तो ऐसे में आप अपना जॉब चेंज कर सकते हो बिना स्पॉन्सर को बताए हुए, ठीक है, बिना कहे हुए। ये चीज यहां पर बताता है कोई भी जॉब आप चूज कर सकते हो, कर सकते हो। अब जॉब कैसे आप चेंज करोगे, क्या करोगे, ये चीजें आपको मैंने बहुत सारे वीडियो बताया है कि आप कीवा एप्लीकेशन पे जाकर के अपना अकामा नंबर अपडेट करके मोबाइल नंबर वहां से आप जॉब चेंज कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो और वो चीज आपको रिफंड में उधर का एक्सेप्ट होगा, फिर आप दूसरी जगह जॉब कर सकते हो। लेकिन उस पर काफी सारे कंडीशन है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कितने सारे कंडीशन आपके ऊपर होने चाहिए। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चलते चलते आप लोगों को एक बात और बता दें कि अगर कोई भी बंदा यहां से हुरूप में था और वो छुट्टी लग उसका जेल के द्वारा डिपोर्ट होकर के किसी भी तरीके से आज के 5-10 साल पहले अगर अपने देश जा चुका है, भैया वो आ सकता है सऊदी अरब में, कोई दिक्कत नहीं है। हुरूप बस ये होना चाहिए उसका हुरूप कट के उसके बाद में वाइट पासपोर्ट पर अगर गया है तो कोई टेंशन नहीं, वो बंदा आ सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।